हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्मीर फूड क्रेविंग्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेसिपी गाजर का हलवा। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए हमें चाहिए गाजर, 1 कप मिल्क, कुछ ड्राई फ्रूट्स, 3 बड़े चम्मच घी और 250 ग्राम चीनी। चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक पैन में घी डालेंगे, इसको गरम करेंगे। गाजर का हलवा हमेशा घी में बनाना चाहिए। इसके बाद हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, ग्रेटेड गाजर। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है। हमें इसको कम से कम 15 मिनट्स तक पकाना है। इसकी क्वांटिटी हाफ होनी चाहिए। अब इस स्टेज पे हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हमें 15 मिनट तक पकाना है, तब तक जब तक इसका दूध ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसका दूध ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये वो स्टेज है जिस पे गाजर का हलवा एनहेंस होता है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, जूसी बनता है। हमें 15 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। अब देख सकते कितना बहुत ही टेस्टी बना है। आप देख सकते इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसके बाद हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। मैंने इसमें काजू, बादाम, कोकोनट, किशमिश ऐड किया। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाना है। आप देख सकते हैं हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।